दोस्तों, एम स्क्वेयर ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीएसएस के अंदर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। इससे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आप HTML CSS को पूरा सीखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट में आने वाले तमाम वीडियोस को जरूर देखिए। चलिए हम देखते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के बारे में। ये CSS के अंदर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं H ओवर के साथ। H ओवर इफेक्ट्स के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके साथ हम ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे H ओवर के ऊपर। मतलब जब भी हम H ओवर प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो जो भी उसके इफेक्ट्स अप्लाई होंगे उसका ड्यूरेशन देने के लिए, वो कितना टाइम में वो स्टार्ट होना चाहिए और उसका कौन से H ओवर को ये ट्रांजिशन अप्लाई होना चाहिए, उसके लिए हम ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इसके अंदर नॉर्मली पांच प्रॉपर्टीज आते हैं: ट्रांजिशन, ट्रांजिशन डिले, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। चलिए अब हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं, इसे किस तरह यूज करते हैं। इसके लिए देखिए, ऑलरेडी मैंने एक HTML का एक पेज बनाया है जो पिछले वीडियो में हम H ओवर के लिए यूज किए थे। ये है उसका आउटपुट। देखिए, H ओवर अप्लाई हो रहा है कर्सर रखते ही इमेज के लिए, और ये वेलकम टू HTML के लिए। इसी तरह ये लिंक के लिए बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। अभी इसका ट्रांजिशन एग्जाम्पल, अभी मैं ये बैकग्राउंड ये इमेज के ऊपर रख रहा हूँ तो कुछ भी क्या है टाइम नहीं लगे, 0 सेकेंड के अंदर ये इमेज का क्या है हाइट विड्थ चेंज हो रहा है। इसे हम ट्रांजिशन देना चाह रहे हैं, मतलब कितने टाइम में ये बड़ा होना चाहिए, ड्यूरेशन कितना रहना चाहिए, उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रांजिशन। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए, मैंने ये सब इमेज H ओवर के अंदर यहाँ पे H ओवर प्रॉपर्टीज दिए हैं, इसी के अंदर हम ये ट्रांजिशन यूज करते हैं। ट्रांजिशन एग्जाम्पल, मैं ट्रांजिशन डायरेक्ट दे रहा हूँ 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड टाइम दे रहा हूँ डायरेक्ट। तो अभी इसे रिफ्रेश करके चलिए हम देखते हैं किस तरह काम करेगा। देखिए, इसके ऊपर रखेंगे तो 3 सेकेंड्स के अंदर इसका साइज क्या है बड़ा हो रहा है, इसका विड्थ जो चेंज हो रहा है 3 सेकेंड ले रहा है। देखिए, फिर से एक बार बता रहा हूँ, 3 सेकेंड टाइम ले रहा है। अगर आप और बढ़ा कर ज्यादा देना चाह रहे हैं तो एग्जाम्पल मैं 5 सेकेंड देता हूँ इसे, 5 सेकेंड रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए, 5 सेकेंड्स, पूरा 5 सेकेंड्स के अंदर इसका कंप्लीट H ओवर इसे अप्लाई होगा। इसका बॉर्डर भी आप देख सकते हैं पूरा 5 सेकेंड्स के अंदर आ रहा है, विड्थ भी 5 सेकेंड्स के अंदर आ रहा है। अब इसके अंदर दूसरा प्रॉपर्टी ट्रांजिशन के अंदर ही, ये तो टाइम देख लिए हम किस तरह से काम कर रहे हैं। दूसरा है, दूसरा मेथड हमने देखा था इसके अंदर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मतलब ये जो ट्रांजिशन जो हम दे रहे हैं किसके लिए देना चाह रहे हैं। इसके अंदर हम लोग आप देख सकते हैं विड्थ, हाइट, बॉर्डर, तीन यहाँ पे प्रॉपर्टीज दे रहे हैं हम H ओवर के अंदर। ये तीन में से किसके लिए अप्लाई हो वो ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के अंदर देना है। एग्जाम्पल, मैं दे रहा हूँ विड्थ, विड्थ यहाँ पे विड्थ दे रहा हूँ। सेव करके आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट किस तरह से आ रहा है। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखिए बॉर्डर शुरू में ही आ गया, सिर्फ विड्थ के लिए ही अप्लाई हो रहा है, विड्थ 5 सेकेंड्स टाइम ले रहा है आने के लिए। देखिए, रखते ही बॉर्डर आ गया है इसका। अब बॉर्डर का साइज बढ़ा देंगे तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। मैं इसे 4 पिक्सल देता हूँ, ये देखिए 4 पिक्सल आ गया, विड्थ बढ़ता जा रहा है। नहीं, आपको विड्थ नहीं, विड्थ तो इमीडिएट आ जाए, बॉर्डर के लिए आप देना चाहते हैं बॉर्डर। सेव करके अभी रिफ्रेश करेंगे आप देख सकते हैं, देखिए एकदम क्या है हाइट विड्थ सेट हो गया, लेकिन बॉर्डर आने के लिए टाइम ले रहा है। बॉर्डर 5 सेकेंड्स का टाइम लेके पूरा कंप्लीट होगा। यह हम दोनों को देना चाह रहे हैं, दोनों को इस तरह से देने के लिए, या अलग भी दे सकते हैं, इसके बदल हम इसी के अंदर ट्रांजिशन के अंदर ही हम दे सकते हैं। एग्जाम्पल, विड्थ, विड्थ मैं दे रहा हूं 5 सेकेंड्स के लिए, इसी के अंदर भी आप देख सकते हैं। देखिए, आप रिफ्रेश करेंगे तो बॉर्डर आ जाएगा, विड्थ 5 सेकेंड में ले रहा है। विड्थ और बॉर्डर दोनों देना चाह रहे हैं इसी के अंदर, विड्थ और बॉर्डर, बॉर्डर
समझिए ऐसा करते हैं, हम विड्थ दे देंगे 3 सेकेंड्स के अंदर, बॉर्डर देंगे 5 सेकेंड्स के अंदर, 5 सेकेंड्स मतलब पूरा विड्थ आ जाएगा 3 सेकेंड्स के अंदर, उसके बाद बॉर्डर भी आ जाएगा। देख सकते हैं आप किस तरह से ये चेंज हो रहा है, पहले विड्थ उसके बाद बॉर्डर, ये इस तरह से प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब चलिए इसी को हम दूसरे में वेलकम टू HTML इसे अप्लाई करके देखते हैं। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ये हम लिखे हैं एच ओवर इसके अंदर, एच ओवर के अंदर कलर और मार्जिन, इसके लिए अभी चल देते हैं ट्रांजिशन डायरेक्ट मैं दे रहा हूं 3 सेकेंड, 3 सेकेंड हम दे रहे हैं। अब कर्जर रखेंगे तो देखिए इमीडिएटली आ रहा है, यहाँ रखेंगे तो 3 सेकेंड्स ले रहे हैं ये पूरा कंप्लीट होने के लिए, नहीं ये कलर के लिए नहीं, सिर्फ आप मार्जिन लेफ्ट के लिए लिए देना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप दे सकते हैं मार्जिन लेफ्ट स्पेस 3 सेकेंड। तो आप रिफ्रेश करेंगे तो इमीडिएटली कलर आ जाएगा, मार्जिन लेफ्ट के लिए 3 सेकेंड का ट्रांसिशन ले। समझ में आ रहा है ना ये ट्रांसिशन किस तरह से यूज करते हैं, जो ड्यूरेशन हमें चाहिए वो ड्यूरेशन कितने के अंदर ये इफेक्ट कंप्लीट हो उसके लिए हम ये ट्रांजिशन यूज करते हैं, ये ट्रांजिशन। अब चलिए हम एक दूसरा अप्लाई करेंगे इसी के लिए, इसके लिए हम अप्लाई करेंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इसके लिए भी थोड़ा टाइम ले, ये एच ओ आर हेडर लिस्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, इसके लिए हम ट्रांजिशन देना चाह रहे हैं। ट्रांजिशन मैं दे रहा हूँ डायरेक्ट 5 सेकेंड, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ट्रांजिशन इसके साथ हम इसका नहीं, इसके अंदर नहीं बैकग्राउंड कलर के अंदर देना चाहिए, इसके लिए लिस्ट के ऊपर रखेंगे तो इसका कलर चेंज हो, ट्रांजिशन अभी आप देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज होने के लिए 5 सेकेंड्स के अंदर ये पूरा कंप्लीट कलर आ रहा है 5 सेकेंड। इसके साथ साथ ये बैकग्राउंड कलर के लिए भी हम देंगे यहाँ पे सॉरी फ्रंट कलर के लिए, यहाँ पे दो हैं तो मैं कलर के लिए दे रहा हूँ कलर 5 सेकेंड्स के अंदर आ, तो पहले ब्लू है वो बाद में जाके ब्लैक कलर, देखिए पता नहीं चल रहा है तो ब्लैक कलर के बदल हम रेड देंगे तो आपको इजी से दिखेगा, देखिए रेड कलर फ्रंट भी रेड कलर में चेंज हो रहा है किस तरह से 5 सेकेंड्स का टाइम लेके चेंज होगा। ये है ट्रांसिशन प्रॉपर्टी, ट्रांसिशन प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं ड्यूरेशन देने के लिए। अब इसी के अंदर ट्रांसिशन डिले का भी एक ऑप्शन है, ये देखिए अब यहाँ कर्सर रखते ही ट्रांसिशन स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए डिले मतलब थोड़ा टाइम छोड़ के उसके बाद स्टार्ट हो, इसे हम किस तरह से देंगे सेम इसी के अंदर ट्रांसिशन ये हम डिलीट कर देंगे, उसके लिए यूज करेंगे हम ट्रांसिशन डिले, ट्रांजिशन डिले और डिले देंगे 2 सेकेंड्स, मतलब कर्सर रखते ही अप्लाई स्टार्ट नहीं होना चाहिए 2 सेकेंड के बाद, देखिए 2 सेकेंड के बाद स्टार्ट। अब फिर से एक बार करता हूं, देखिए इसका हाइट विड्थ और इसका बॉर्डर कलर 2 सेकेंड के बाद स्टार्ट होगा, ये है ट्रांजिशन डिले। हम डिले कितने टाइम के बाद स्टार्ट हो इस तरह से भी हम ये दे सकते हैं। ये था ट्रांसिशन के बारे में, ये आगे हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, ट्रांसफॉर्म और ये ट्रांसिशन H4 इफेक्ट्स तीनों मिला के हम यूज करेंगे अलग अलग, इसके लिए नए नए इफेक्ट्स के लिए हम यूज करते हैं ये, तो आपको और भी अच्छी तरह के समझ में आएगा ये क्यों हम यूज करते हैं। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में, अगर इस ट्रांजिशन के बारे में अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट के अंदर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए।